पता नहीं राधा, किंतु मैं इस उपाय से सहमत नहीं हूँ। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हाँ राधा, अब तक तो मेले में जाने का अर्थ होता था कि धन खर्च करना, किंतु ये किस प्रकार संभव है कि मेले से धन कमाया जा सकेगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आवश्यकता भी नहीं, मैं समझ गई हूँ ना, पर्याप्त है। आपको अधिक बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सब केवल इतना बताइए कि मेले के लिए आपके पास क्या क्या सुझाव है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अधिक से अधिक धन अर्जित कर पाए? हाँ राधा, मैं अपनी वहां मिठाई की दुकान लगाऊंगी। दुकान का सुझाव तो मैंने पहले ही सोच लिया था, कोई और सुझाव दो। तो अपने बलराम दाऊ है ना, तो अपना बल का प्रदर्शन करके सबका मनोरंजन करेंगे। वो तो मैंने कहा ना कि मनोरंजक प्रस्तुतियां रखेंगे, ये सब तो मैंने पहले ही सोच लिया है, कुछ नया बताओ। दो, अब नया उपाय दो। अरे अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नया उपाय ठीक है ना, शांत हो जाओ, समझने का प्रयास तो करो। ईश्वर का धन्यवाद कहो, राधा रानी जैसी मुखिया हैं। अरे सब सोच लिया है पहले ही, हमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे हो, हमें केवल राधा रानी के निर्देशन का अक्षरशः अनुसरण करना है, बस इतना तो सरल है। राधा रानी ने कहा धक्क तका, हम क्या करेंगे? धक्क तका, है ना राधा रानी? हाँ बिल्कुल सही कहा कृष्ण। राधा एक बार पुनः सोचो, कहीं नवरात्रि के इस मेले में बदलाव करके हम कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं ना? आइए दाऊ, आप केवल बल का प्रयोग कीजिए। मैं बुद्धि लगा रही हूँ ना? हाँ? देखो तो काना, राधा ने कितने विनम्रता से मुझे श्रमिक बनने पर विवश कर दिया। ठीक है राधा, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे बुला लेना। कान्हा, तुम्हें राधा की एक भी बात समझ आ रही? वो किसी की सुनी नहीं रही है, उसके मन में जो आ रहा है वो वही कर रही। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसी की सुननी ही नहीं तो ये सभा बुलाई ही क्यों? क्यों बुलाई? सावधान, राधा यही देख रही है। अरे वाह, कितना अच्छा है। उपहार कर रहे हो। तुम मेरे साथ हो ना कृष्ण? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या कह रहे हो कान्हा? वही कह रहा हूं जो सर। आपको कुछ और कहना है? अब मौन रहिए दाऊ, राधा की डांट खानी है क्या? हाँ मैं हाँ मिलाओ बस। अरे नहीं नहीं, मैं मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि केवल तुम ही क्यों, हम सब साथ देंगे ना राधा का, हम सब साथ हैं राधा के। कहो अयन। माँ राधा के पास एक उत्तम योजना है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस योजना के द्वारा वो इस संकट को भी पार कर लेगी। तो
तुम्हारी माँ के होते हुए राधा इस संकट से कभी नहीं निकल पाएंगी। तुम बस इतना करो आयन, राधा और उन साहूकारों के मध्य जो अनुबंध हुआ है उस अनुबंध पत्र को प्राप्त कर लो। हमें भी तो पता चले कि वो मोहन दानी है कौन, जिन्होंने इतना सारा धन राधा को दे दिया, उसके उपरांत अपने नामों को गुप्त रखवा लिए। वो अनुबंध अयन शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त करो। हमारा विकल्प तो उचित है राधा, किंतु नवरात्रि के मेले के बारे में ना तो कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। और इसलिए तो आसपास के सारे गांव के लोग इस नवरात्रि के मेले में आएंगे ना काका। वो सब तो ठीक है राधा बिटिया, किंतु इस तरह के मेले का आयोजित करना भी तो बहुमूल्य होगा। हम तो पहले से ही ऋण में दबे हुए हैं। कान्हा कुछ तो कहो, कि तुम्हें भी लगता है कि राधा अनुचित कर रही है? मुझे कुछ नहीं कहना, परंतु लगता है आपको कुछ कहना है। रुकिए मैं सबको कह देता हूँ कि दाऊ कुछ। नहीं, नहीं 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 कान्हा, मुझे कुछ नहीं कहना है। बाबा मैंने इस विषय पर सोच समझ कर विचार रखा। आप सोचिए काका बाबा, जब पूरे 108 गांव के लोग हमारे इस मेले में आएंगे तो हम कितना धन अर्जित कर सकते हैं, और हम इस मेले का ऐसा प्रचार करेंगे कि लोगों को एक बार आने का मन तो अवश्य करेगा। बाबा मेरा विश्वास कीजिए, यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है हमारी विकट समस्या का। हाँ ऐसे मेले में लोग तो आते ही हैं। अगर इस कार्य को पूर्ण करने में हमारे बच्चे किसी अनुचित दिशा में जा रहे हो तो हम बड़े उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। इसका अर्थ आपकी सहमति है इस मेले में बाबा? तो क्या हम नवरात्रि मेले की तैयारी आरंभ करें? अवश्य। क्या हुआ, इतने क्रोध में क्यों हो बताओ? कान्हा तुम भली भांति जानते हो कि राधा जो कुछ कर रही है उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं, उसके पश्चात भी तुम उसका साथ दे रहे और मुझे कह रहे हो कि मैं क्रोधित क्यों? तो अब मैं क्रोधित भी ना हूं। मैं मौन इसलिए हूं दा, क्योंकि राधा का मन निश्चल है, बस अहंकार का पर्दा उस पर छाया हुआ, इसलिए कुछ बातें समझ नहीं पाए। पर कान्हा यहां बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। जानता, और इसलिए तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। इस समय उसके अनुसार उसका लिया गया प्रत्येक निर्णय उचित ही होगा, और हम में से कोई उसको यह समझा नहीं पाएगा कि वो गलत, इसलिए हमें उसका साथ देना होगा, ताकि यदि भविष्य में कोई कठिन घड़ी आए, कोई विचित्र घड़ी आए, उसे संभालने के लिए हम वहां पे उपस्थित रहें। समझ रहे हैं आप? पर कान्हा ये नवरात्रि मेला ये पूर्णतः असफल होगा, ये तुम जानते हो ना कान्हा? अब इस मेले का भाग्य पूर्णतः राधा के अभिमान पर निर्भर करता है। यदि उसे ज्ञात हो जाता है कि उसे अब सहायता की आवश्यकता है, उसे ज्ञात हो जाता है कि उससे कोई गलती हुई, कदाचित तब वो अहंकार से ऊपर उठकर सबकी सुनने लगे। इस संकट से ऊपर उठने का यही एकमात्र मार्ग है।